देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के इंडस्ट्रियलाइज इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास कौन से? तो हमारे पास ग्रुप नंबर 1A के हैं, ग्रुप नंबर 2A के हैं। तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 1A क्या है? NaCl, दैट इज द सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट टेबल सॉल्ट। वी हैव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। देन वी हैव कास्टिक सोडा NaOH। हम सोडा एच भी कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, और बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए ऑफ कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन आ रहा है जिसके अंदर कॉमन नेम के केमिकल फॉर्मूला पूछे जाते हैं। ये आपके पास सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी प्रेजेंट है। ग्रुप नंबर 2A में हमारे पास जो है, ग्रुप नंबर 2A में हमारे पास जो है वो इप्सम जिप्सम एंड ब्लीचिंग पाउडर है। इप्सम जिप्सम एंड ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम देन लेट इज कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। वी हैव गॉट सोडियम क्लोराइड। हमारे पास पहला हमारे पास सोडियम क्लोराइड इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो इंडस्ट्रियल है। हमारे पास ये ऑब्टेन होता है सी वाटर से या रॉक सॉल्ट से, हमारे पास ये ऑब्टेन हो रहा होता है, ठीक है ना भाई? बस सी वाटर से या रॉक सॉल्ट से हमारे पास ऑब्टेन हो रहा होता है। किस तरीके से हम कर रहे होते हैं? समुद्री पानी है, नमक का पानी। वी नो दैट सी वाटर कंटेन्स 3% ऑफ NaCl। टू ऑब्टेन NaCl वी पुट द सी वाटर इन लार्ज टैंक्स एंड देन द वाटर इज एवेपोरेटेड बाय सोलर हीट। हम क्या कर रहे होते हैं, नमक के पानी को या समंदरी पानी को हम बड़े बड़े टैंक्स में बिछाते हैं और जो सूरज की तपिश होती है उससे उसको एवेपोरेट करवाते हैं, ठीक है ना भाई? लेकिन बट द डिसएडवांटेज इज ऑफ दिस टाइप ऑफ NaCl दैट इट हैज सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज। हमारे पास इस प्रोसेस से क्या होता है, इम्प्योरिटीज अभी मिली होती है। वो इम्प्योरिटीज किसकी होती हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड की। उसको हटाने के लिए वी यूज सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास ये रिएक्शन देख रहे हैं हम, ये जो हमारे पास इम्प्योरिटीज हैं ये हैं वो मिक्स्ड फॉर्म में, ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में। इसको हमें हटाना है उसमें से, तो हम इसको रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और ये होता है ये इनसॉल्युबल होता है, ये अलग हो जाता है और हमारे पास जो होती है इम्प्योरिटीज हट जाती हैं। वी गेट NaCl, दैट्स हाउ वी गेट रिड ऑफ द इम्प्योरिटीज। यूजेस क्या है भाई हमारे पास NaCl के? यूजेस हैं सॉल्ट इज नेसेसरी फॉर अ डाइट। हमारी डाइट के लिए सोडियम और क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नर्व इम्पल्स हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस हैं, ये सब कौन, ये सॉल्ट्स कंट्रोल कर रही होती है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर केमिकल्स। हमारे पास केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कॉस्टिक सोडा Na2CO, सोडियम कार्बोनेट HCl, ठीक है। तो हमारे पास ये सॉल्ट इज यूज टू मेक सोप्स, बस सोप्स बनाने के लिए NaCl इस्तेमाल होता है। हमारे पास फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी NaCl इज यूज। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बाय अमोनिया साल्वे प्रोसेस। वी हैव सोडियम बाई कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट दैट इज द सोडा एश। सोडा एश ऑन इंडस्ट्रियल स्केल द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सोडा एश Na2CO3 इज डन बाय अमोनिया साल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू ये होता है। हमारे पास हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए होते हैं, तीन रॉ मटेरियल, दैट इज सोडियम क्लोराइड इन वाटर। सोडियम क्लोराइड का वाटर में जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्राइन। ये हमारे पास क्या होता है, ब्राइन कहते हैं इसका जो केमिकल नेम, केमिस्ट्री में जो उसका नाम होता है वो ब्राइन होता है, नमक के पानी का। वी हैव लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड अमोनिया NH3। ये तीन चीजें चाहिए होती हैं एंड द होल प्रोसेस, और जो पूरी मशीनरी होती है हमारे पास आने से। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अमोनिफिकेशन ऑफ ब्राइन। इन दिस स्टेज सैचुरेटेड ब्राइन इज अलाउड टू फ्लो डाउन अमोनिएटिंग टावर। दिस टावर इज फिटेड विद मशरूम शेप बैफल्स। दीज बैफल कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्राइन एंड इंश्योर द प्रॉपर मिक्सिंग एंड सैचुरेशन ऑफ अमोनिया। हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का, अमोनिफिकेशन ऑफ ब्राइन।
हमारे पास अमोनिया और ब्राइन का मिक्सचर बनता है। क्या मतलब है? हमारे पास अमोनिया, NH3 और NaCl और H2O, ये तीनों चीजें मिलके हमारे पास इस स्टेप ये तीनों चीजें मिक्स हो रही होती है। रिएक्शन नहीं हो रहा होता, मिक्स हो रही होती है, ठीक है ना? तो ब्राइन और अमोनिया मिक्स हो रहा होता है, ठीक है, अमोनिएटिंग टावर के अंदर। अमोनिएटिंग टावर के अंदर हम देखते हैं अभी आगे जाके कि पिक्चर कैसी होती है। दिस टावर इज फिटेड विद मशरूम शेप बैफल्स। हमारे पास मशरूम शेप बैफल्स। अब ये बैफल्स क्या होती है? हमारे पास होता क्या है, जब बहुत सारा लिक्विड होता है ना किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो हमारे पास जो टैंक होते हैं उनमें बैफल्स लगाए जाते हैं। बैफल्स हमारे पास स्ट्रिप्स होती हैं जो कि कंटेनर की वॉल के साथ लगाई जाती हैं, जो कि जो कहते हैं कि जो इतना सारा जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है इसके पास, ये जो होता है ये इसकी इवन मिक्सिंग के लिए, कि इसकी मिक्सिंग जो वो इवन हो, सही है ना? और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है, क्योंकि लिक्विड ट्रेवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसकी ऐसी फोर्स ना हो कि इसके अंदर जो है वो साइक्लोन या वो हमारे पास टोर्नेडो बनना शुरू हो जाए, तो हमारे पास बैफल्स इस्तेमाल होते हैं। दीज बैफल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ब्राइन। जैसे अभी मैंने कहा कि वो कंट्रोल क्या करते हैं, इसलिए लगाए जाते हैं, कंट्रोल करें फ्लो ऑफ ब्राइन के, इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग, मिक्सिंग प्रॉपर हो, ज्यादा एयरिंग ना हो, ठीक है, एंड सेचुरेशन ऑफ अमाइन, सही से मिक्सिंग हो। वन देन द सेकेंड स्टेप इज द कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस देन द सेकेंड स्टेप अमोनिकेटेड ब्राइन इज अलाउड टू ट्रिकल डाउन अ कार्बोनेटिंग टावर नोन एज सॉल्वेट टावर। हेयर ब्राइन इज मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई हीटिंग लाइमस्टोन इन सेपरेटेड चेम्बर कॉन क्लिन। हमारे पास क्या हो रहा था सेकेंड स्टेप में, हमारे पास जो अमोनिया, जो हमारे पास जो हमारा ब्राइन होता है, जो अमोनिएटेड ब्राइन होता है, फर्स्ट स्टेप से जो हमारे पास गुजरा हुआ ब्राइन होता है, सेकेंड स्टेप में तो हमारे पास ये कार्बोनेटिंग टावर में आता है। कार्बोनेटिंग टावर में क्या होती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, और इसको सॉल्वेट टावर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। हे ब्राइन इज मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बनती है? लाइम क्लिन। ये हमारे पास इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास पिक्चर है। हमारे पास अगर हम देखें, फर्स्ट स्टेप इज ब्राइन आया, ये अमोनिया एब्जॉर्बर में एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। अम यहाँ पे एब्जॉर्ब होके क्या बन गया? अमोनिएटेड, अमोनिएटेड ब्राइन। अच्छा, ये अमोनिएटेड ब्राइन जो होता है इट ट्रिकल्स डाउन, ये हमारे पास फिल्टर होके आता है। फिल्टर, इसके अंदर हमारे पास कोई जो है इम्प्योरिटीज ना, उसके फिल्टर होता है, और ये जाता है हमारे पास किसमें, इस टावर के अंदर। इस टावर के अंदर हमारे पास सेकंड स्टेप शुरू होता है, दैट इज कार्बोनेशन। फर्स्ट स्टेप इज अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, यहाँ फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास फिल्टर होके जाता है अमोनिकेटेड ब्राइन। यहाँ पे हमारे पास जो होता है, इस स्टेप में हमारे पास ये जो सॉल्वेट टावर है इसके अंदर हमारे पास जो है वो अमोनिएटेड ब्राइन आता है, और लाइम क्लिन। ये हमारे पास क्लिन एक भट्टी होती है, इस भट्टी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है डीकम्पोजेस, टूटता है। जैसे अभी हमने इक्वेशन देखी थी कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है ना? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाती है किस में? आपके पास इस टावर के अंदर, और मिक्स होती है अमोनिएटेड ब्राइन से। हमारे पास सॉल्वेट टावर में क्या हो रहा होता है, ये फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस देयर एट द सॉल्वेट टावर। हमारे पास अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। हमारे पास जो अमोनिएटेड वाटर होता है, अमोनिएट ब्राइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। दिस अमोनियम कार्बोनेट फर्दर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अमोनियम बाई कार्बोनेट। एक और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट होता है टू फॉर्म अमोनियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है NaCl से टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन हमारे पास एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है ना? तो हमारे पास जो है ये पूरे के ऊपर हमारे पास जो होता है, यहाँ पे हमारे पास जो होता है पूरे के ऊपर वी हैव, ठीक है, प्लस
वन, और ये पूरे बायकार्बोनेट पे हमारे पास चार्ज होता है माइनस वन, इसी तरह से एन ए पे प्लस वन, और हमारे पास इस पे क्या होता है माइनस वन, और हमारे पास क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है, एंड अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. ड्यू टू एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द अबव रिएक्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इंक्रीजेस. टू काउंटर दिस अफेक्ट लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वेंट आवर स्कूल्ड प्रेसिपिटेट्स आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम फिल्टर एंड वॉश टू रिमूव अमोनियम सॉल्ट. हमारे पास ये जो रिएक्शन होते हैं बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. लेकिन हमें सॉलिड फॉर्म में चाहिए हमारा, है ना, हमें सॉलिड फॉर्म में चाहिए हमारा प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं जो लोअर पार्ट होता है वो कूल करते हैं, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं. फिर ये प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं बाय वैक्यूम. ठीक है, अच्छा, देन द थर्ड स्टेप, जो फाइनल स्टेप होता है हमारे पास क्या होता है ड्राई सोडियम का बाइकार्बोनेट हीट इन रोटेटरी फर्नेस कॉल्ड कैल्साइनर. हमारे पास एक रोटेटरी फर्नेस होता है, फर्नेस रोटेटरी मतलब रोटेट करना है, फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी के अंदर हमारे पास चीजें जलती हैं, सही है, आपने देखा होगा, कॉल्ड एज कैल्साइनर, कैल्साइनर इज अ भट्टी जिसके अंदर चीजें चलती हैं. टू गिव एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट और सोडा एश. एनहाइड्रस का मतलब सारा वाटर जो होगा इसका निकल चुका होगा. ठीक है, इसके बाद हमारे पास और सोडा एश कार्बन डाइऑक्साइड इज रीसर्कुलेटिंग इन द कार्बोनेटेड टावर. होता क्या है हमारे पास, ये इसको डीकम्पोज करते हैं हमारे पास एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वाटर आता है. ये हमें चीज चाहिए थी, हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए था, द वॉशिंग सोडा द सोडा एश ये हमें चाहिए था, तो ये हमें ऑब्टेन हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वापस किस में जाती है, कार्बोनेटिंग टावर में जाती है. हम दोबारा से इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा होता है, रिकवरी ऑफ अमोनिया. रिकवरी ऑफ अमोनिया हो रही होती है क्योंकि हमारे पास अमोनिया जो होती है एक्सपेंसिव गैस, पूरे प्रोसेस से बनती है, तो हमें उसकी रिकवरी करनी होती है. किस तरह से होती है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेंड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे पास जब लाइम क्लिन में हम तोड़ लेते हैं, हम दोबारा से अभी इमेज देखेंगे, जब तोड़ लेते हैं तो हमारे पास कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था. ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. ठीक है ना, ये इसको कहते हैं हम क्विक लाइम. फिर इस क्विक लाइम को हम हीट करवाते हैं सोडियम अमोनियम क्लोराइड से. क्विक लाइम इज हीटेड विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अमोनिया एंड कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट. अमोनिया इज यूज अगेन इन दिस प्रोसेस. तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये हमारे पास रिएक्शन देते हैं कैल्शियम क्लोराइड का अमोनिया का. अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कैल्शियम ने इसका क्लोरीन लेके बना लिया CaCl2, अमोनिया इसमें से बनेगी NH3. ठीक है ना, NH3 बनेगी, तो उसके जो हाइड्रोजन होगा ये OH मिलके वाटर बना देंगे. सही है ना, ये हम दोबारा से इमेज देखते हैं. हमने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिएक्शन होगा, कार्बोनेशन के बाद और फर्दर रिएक्शन होके क्या बन रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा था. सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास एंड में नीचे बन रहा था, और नीचे ये क्या था फॉर इग्नाइटेशन, क्या मतलब है, यहाँ से फिल्टर होके ये हमारे पास फॉर इग्नाइटेशन, इग्नाइट मतलब इसको जलाया जाएगा, इसको बर्न किया जाएगा टू गेट सोडियम कार्बोनेट. तो यहाँ से फिल्टर होके ये जाएगा आगे रोटेटरी फर्नेस के अंदर, जहाँ पे ये चलेगा. उसके बाद ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जो था और थोड़ा सा अमाउंट सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट का, ये बनाएगा जाएगा हमारा अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर. अब अमोनिया रिकवरी टावर में से हमारे पास यहाँ पे ये चीज एंटर हो रही है, और हमारे पास हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने लाइम क्लिन में कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा था और कैल्शियम ऑक्साइड में, ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर रिएक्ट करके बनाएगी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे हमने रिकवरी में पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगी यहाँ से लाइम क्लीन से वाटर से होके, और हमारे पास जो थी फिल्टर से होके हमारे पास सोडियम अमोनियम क्लोराइड आएगी अमोनिएटिंग टावर में, जिसमें हमारे पास अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बोनेटिंग टावर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और अमोनिया फिर से पीछे स्टेप जाके फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल होगी, दैट इज अमोनिफिकेशन ऑफ ब्रायन। ठीक है,